बारे में सुना होगा बहुत अपने मुल्क में, लेकिन यहाँ आकर क्या कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर आके तो लोगों का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट, मतलब हम लोगों को तो न्यूज़ चैनल और इस तरह से तो लगता था कि भाई हम लोगों को बड़ा डिफरेंट ट्रीट करेंगे, कहेंगे कि भाई पाकिस्तान से हैं वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल सबने इक्वली ट्रीट किया हमें और बहुत अच्छी तरह, तो हमारा बिल्कुल व्यू ही चेंज हो गया है इंडिया के बारे में। रिजवान, आपने भी कहा कि दोनों मुल्कों के बीच जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, जिस तरह के ताल्लुकात हैं, उस क्या कोई प्रेजुडिस के साथ आए थे? क्या आप मन में किसी एक तरह का रिजवान कोई ख्याल लेकर आए थे और वो ख्याल अब वैसा ही है या फिर बदल गया? जी डेफिनेटली, एक आइडिया तो हमारे जहन में था और जो हम लेके आए थे साथ, और वो उसमें मतलब हमें कुछ अप्रिहेंशंस थी जो कि वो कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से, कुछ लोगों के बिहेवियर के लिहाज से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से शायद कुछ हमारे पर कोई ऑब्जर्वेशन होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ना किसी गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने, ना किसी आम बाशिंदे ने, किसी आम बंदे ने हमारे साथ कोई इस किस्म की ट्रीट किया, बल्कि हर जगह जहां हम गए हमें बड़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, बल्कि हमें मतलब आम लोगों से शायद ज्यादा प्रेफरेंस भी दी गई कई मामलात में। तो हमें मतलब बिल्कुल जो हम आइडिया लेके आए थे वो चेंज हो गया और बहुत बेहतर अब हम इमेज लेके जाएंगे। बिल्कुल, और मदीहा की माँ भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। रीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस सोच के साथ हिंदुस्तान आई थी, अपनी बेटी को आप अनकॉन्शियस स्थिति में लेकर आई थी, और अब जबकि एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट उसका हुआ है और बिल्कुल दुरुस्त होकर अपने मुल्क वापस लौट रही है, आपकी क्या यादें हैं हिंदुस्तान की इस ट्रिप के बारे में? रीना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। राणा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी आ रही है आवाज। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि किस सोच के साथ आप हिंदुस्तान आई थी और अब जब अपनी बेटी को बिल्कुल दुरुस्त होकर ठीक ठाक वापस अपने मुल्क ले जा रही हैं, क्या कुछ आपने देखा इस 2.5 महीने में जब आप हिंदुस्तान में रही और किस तरह की यादें लेके जा रही हैं? जब ये बीमार थी तो हम परेशान थे बहुत, तो अनकॉन्शियस थी जब हम इसको यहाँ लेके आए, उस वक्त तो बहुत परेशानी थी, लेकिन शुरू शुरू में तो इमरजेंसी की सूरत हाल थी तो हम इसके ट्रीटमेंट में ही लगे रहे। वैसे जूं जूं ये फिर बेहतर होना शुरू हुई तो सबके, हमने महसूस किया कि सबका रवैया और सब बहुत अच्छा है, डॉक्टरों का ट्रीटमेंट सब कुछ बहुत अच्छा रहा, तो अब हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें दोबारा जिंदगी मदिया को दी है, हम खुशी से वापस लौटेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, राणा जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वो दौर बहुत मुश्किल रहा होगा, अपनी बेटी को कोमा में जाते देखना, बिल्कुल अनकॉन्शियस स्थिति में देखना, और अपने मुल्क में उस तरह की सुविधाएं भी इतनी ना होना, काफी मुश्किल वो दौर रहा होगा। जी वो टाइम तो बहुत मुश्किल था क्योंकि इतनी ज्यादा हमें तो तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी जो बीमारी है वो इसको होगी, तो हम तो एपेटाइटिस ए समझ रहे थे कि जल्द ठीक हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर ने जब हॉस्पिटल एडमिट करने का फैसला किया तो फिर हमें कुछ परेशानी हुई, फिर उन्होंने ICU शिफ्ट कर दिया तो उससे ज्यादा परेशान हो गए हम लोग। फिर उन्होंने लास्ट वीक यहाँ आने से एक हफ्ता पहले ही बताया था कि इसको शायद ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, तो हम तो सिर्फ एहतियात के तौर पर लाए थे कि इंडिया में हो सकता है कि बेहतर इलाज हो और ये वैसे ही ठीक हो जाए, जरूरत ना पड़े, लेकिन हमें चांस नहीं लेना चाहते थे, तो ऐसी जगह पे लाना चाहते थे कि जब अगर जरूरत हो तो हम फौरन ट्रांसप्लांट किया जा सके, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने जब फैसला किया कि इसको फौरी जरूरत है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें, हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना